एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ साइट विजिट। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनम, एंड एक बार फिर आ गई हूं एक और अमेजिंग प्रॉपर्टी के साथ। तो आज मैं जहां आई हूं यहां से आपको आने वाली है रिजॉर्ट वाली वाइब्स, क्योंकि मैं आ गई हूं न्यू चंडीगढ़ के नंबर वन प्रोजेक्ट में ओमैक्स के द रिजॉर्ट। रिजॉर्ट लोकेटेड है एयरपोर्ट रोड पे, जो कि 200 फीट वाइड है और यही रोड कनेक्ट करती है आपके मध्य मार्ग से। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जस्ट हमारे प्रोजेक्ट के ऑपोजिट में आ रहा है एक एडवेंचर पार्क ओमैक्स की तरफ से ही, जहां पर 3D एंड 5D गेम्स अवेलेबल होने वाले हैं। एंड अगर अब यहां पे चले तो यहां पर मैं सिक्योरिटी की बात करूं सबसे पहले एंटर होते ही, तो एंट्रेंस से पहले ही आप देख सकते हैं कि यहां पे 24 आवर्स गार्ड अवेलेबल होते हैं। सो गाइज, एंटर करते ही मैं बताना चाहूँगी कि मुझे आ रही एकदम रिजॉर्ट वाली फील। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है यहाँ पे, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर आ रही है यहाँ पे। एंड मैं बताना चाहूँगी, फ्लैट पे ले जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे ऑलरेडी 4 टावर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है ऑलरेडी। एंड आगे हम बढ़ते हैं हमारे सैम्पल फ्लैट एंड टावर की तरफ। सो गाइज, हम आ गए हमारे टावर वन की तरफ, जहाँ पे हमारा सैम्पल फ्लैट लोकेटेड है। एंड आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने एंट्रेंस बनाई है, मेन एंट्रेंस डबल हाइटेड यहाँ पे एंट्रेंस है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स बहुत सारे लगाए गए हैं ताकि नेचुरल फ्रेश एयर बनी रहे। एंड यहाँ पर आपको 24 घंटे एक गार्ड प्रोवाइड होगा जो कि आपकी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का ख्याल रखेगा। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मेन एंट्रेंस डोर पर। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट तरीके से इसे बनाया गया है। यहाँ पे लैम्प्स भी लगे हैं एंड बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में कहूँगी दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं। वाह, सो गाइस, एंटर करते ही हमारी लॉबी आ जाती है। एंड आप देख सकते हैं कि डबल हाइटेड लॉबी है। एंड यहाँ पे शैंडलियर पर नजर डालें तो बहुत ही सुंदर शैंडलियर्स है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से रॉयली डेकोरेट किया है इन्होंने लॉबी को। फर्स्ट इंप्रेशन ही वाव रहने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी रिसेप्शन डेस्क, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका सीटिंग एरिया, जहाँ पर आप अपने गेस्ट को वेट करा सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हो उन्हें यहीं पर। अब आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं हमारे आगे, देखते हैं यहाँ पर आ जाती है आपके दो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स, एक तो किसी विमेन की है एंड दूसरी आ जाती है डिविनिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे हरमंदिर साहिब जी की पेंटिंग है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, एक फ्लोर पे आपके 4 फ्लैट्स रहेंगे, 2 रोड फेसिंग एंड 2 कॉर्नर एंड पार्क फेसिंग। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जाने के, फ्लैट तक जाने के 2 रास्ते रहेंगे, 2 लिफ्ट एंड 1 स्टेयरकेस। अब आ गए हम हमारे सैम्पल फ्लैट की एंट्रेंस पे। आप देख सकते हैं कि ये वुडन डोर आपको प्रोवाइडेड है, लॉक एंड की सिस्टम है। एंड तो जो सैम्पल फ्लैट का एरिया रहेगा वो होगा 1486 स्क्वायर फीट का। सो अब हम एंटर करते हैं हमारे सैम्पल फ्लैट में। तो गाइस, एंटर करते ही आ जाता है हमारा फॉयर स्पेस। आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट तरीके से इन्होंने इसको डेकोरेट किया है विद दिस बेंच एंड दिस मिरर। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अलग सी एथनिक सी वाइब दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले हमारा पॉडर रूम। तो आप अपने गेस्ट को, आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो ताकि आप अपने गेस्ट को यहाँ विजिट करा सकते हैं उनके सैनिटरी ऑप्शंस के लिए। यहाँ पर सारे ब्रांडेड फिक्स्चर्स है, एंटी स्किड टाइल्स है एंड फुल लेंथ वॉल टाइल्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम एंड आई मस्ट से बहुत ही प्यारे कलर्स है, मुझे बहुत ही समर वाली वाइब्स आ रही है। बहुत ही लाइट ह्यूज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस है एंड ये पेंटिंग्स से वाकई रूम में और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है। सो गाइज, यहाँ पर आ जाती है हमारी बालकनी। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड
आगे देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा लिविंग स्पेस। बट उससे पहले एक नज़र यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही एथनिक और इंडो वेस्टर्न सी वाइब दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, एक बहुत ही काट लगा के एंड टाइपराइटर लगा के। इट्स वेरी डिफरेंट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट। आप यहाँ से ज़रूर अपने घर डेकोरेट करने के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ आ जाता है हमारा लिविंग स्पेस एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस। इन्होंने बहुत ही एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल तरीके से इसको डेकोरेट किया है। काफ़ी ज़्यादा मूवेबल स्पेस है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये पीछे जो इन्होंने वॉल फ्रेम्स लगाई बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक है एंड बहुत ही इंडो वेस्टर्न और एथनिक सी वाइब दे रहे हैं। एंड यहाँ पर भी आ जाती है हमारी बालकनी जो कि कनेक्टेड रहेगी आपके फर्स्ट बेडरूम से। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल रही है फॉल सीलिंग विद एम्बिएंट लाइटिंग्स विच इज़ अ चेरी ऑन केक। इट इज़ अ अमेजिंग यूएसपी एंड प्लस पॉइंट फॉर दिस फ्लैट। अब हम आ जाते हैं आगे बढ़ते हुए हमारे डाइनिंग स्पेस की तरफ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी मूवेबल स्पेस है। इन्होंने सिर्फ 4 सीटर डाइनिंग लगाई है बट आप आराम से यहाँ पे 6 सीटर तक की डाइनिंग लगा सकते हैं एंड बहुत ही सुंदर और एलिगेंट तरीके से इन्होंने अपने डाइनिंग को डेकोरेट किया है। जस्ट लुक एट दिस, ये बहुत ही इंडो वेस्टर्न सी फील दे रहा है यहाँ पे एंड जस्ट लुक एट दिस, दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है डाइनिंग स्पेस के साथ ही बिकॉज यहाँ पे सारे ईटेबल्स या फूड आइटम्स है। सो इजंट इट वेरी डिफरेंट एंड अमेजिंग। नाउ लेट्स चेक आउट द हार्ट ऑफ द होम दैट इज़ आवर किचन एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, ओपन किचन कॉन्सेप्ट टाइप्स है यहाँ पे एंड मॉड्यूलर किचन है कम्प्लीटली। जस्ट सी हाउ स्विफ्ट इट ग्लाइड्स। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा चिमनी का प्रोविजन एंड सिंगल सिंक विद अ फॉसेट एंड अ बालकनी। तो गाइस ये रहने वाली है आपकी बालकनी। अगर आप ग्राउंड फ्लोर प्रेफर करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर की बालकनी एकदम ऐसे ही रहने वाली है, नॉट लेस देन अ कोर्टयार्ड। आप देख सकते हैं उन्होंने फिर से इंडो वेस्टर्न वाइब देते हुए एक प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे चेयर एंड टेबल लगाई है। आप अपने हिसाब से झूला लगा सकते हैं, बीन बैग लगा सकते हैं, कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड नॉट टू मैंशन प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर द बेस्ट टू डेकोरेट योर होम एंड योर कोर्टयार्ड। एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, ये एंटिस की टाइल्स लगी हैं यहाँ पे। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चेक आउट दी अदर पार्ट्स ऑफ द होम। तो बालकनी के बाद आगे चेकआउट करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस होम। एंड यहाँ पर हमारा आ जाता है एक पैसेज वे जहाँ पर आता है हमारा यूटिलिटी रूम। लेकिन उससे पहले एक नज़र यहाँ पे वुडन वर्क पे आप देखिए, बहुत ही सुंदर वुडन वर्क किया है जो इस फ्लैट को और ज़्यादा एलिगेंट बनाता है। आप भी कुछ ऐसा डेकोरेट कर सकते हैं अपने फ्लैट को। बट सबसे पहले चेकआउट करते हैं हमारा यूटिलिटी रूम। सो दिस इज़ आर यूटिलिटी रूम। आप इसे पूजा घर बना सकते हैं, स्टोर बना सकते हैं, पूजा घर टू मेंटेन द डिविनिटी एंड स्टोर टू क्रम्बल अप योर एक्स्ट्राज हेयर। एंड यहाँ पर एक नज़र इस पेंटिंग की तरफ विच इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड बहुत ही एक डेप्थ वाली वाइब देता है आपके घर को। सो दीज पेंटिंग्स आर मस्ट टू यू नो जस्ट एड कलर्स टू योर होम। नाउ लेट्स चेक आउट आर सेकेंड बेडरूम। हाँ, सो दिस इज़ आर सेकेंड बेडरूम एंड बहुत ही प्यारे ह्यूज के साथ बहुत ही पेस्टल कलर्स यूज़ किए हैं हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर ने यहाँ पर इस घर को डेकोरेट करते वक्त। आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट वॉल फ्रेम्स यहाँ लगाए गए हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर आ जाती है बालकनी जो कि सो दिस इज़ द बालकनी अटैच टू योर सेकेंड बेडरूम। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है यहाँ पर। आप टेबल, चेयर, बीन बैग, झूला कुछ भी लगा सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द फ्रेश एयर, चिड़ियों की चहचहाट जो मैं अभी भी सुन सकती हूँ एंड साथ ही साथ द सनलाइट। लेट्स मूव इन। सो नाउ लेट्स चेक आउट आवर एनसूट वॉशरूम। सो दिस इज़ द वॉशरूम अटैच टू योर सेकेंड बेडरूम एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है यहाँ पे। आपको ब्रांडेड फिक्स्चर्स मिल रहे हैं, आप भी ऐसा ही शार इंक्लोजर लगा सकते हैं इफ़ यू विश टू। वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे एंड आपको यहाँ पे भी मिल रही है फुल लेंथ वॉल टाइल्स, एंटी स्किड टाइल्स एंड ब्रांडेड फिक्स्चर्स। एंड यहाँ पर इन्होंने इन वार्डरोब्स को डिज़ाइन किया है, आप इसे कैसे भी और कहीं पे भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। इट्स वेरी स्पेशियस, आप कुछ ऐसा ही अपने लिए भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड चेकआउट करते हैं हमारा मास्टरपीस दैट इज़ द मास्टर रूम। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है एंड अगेन इट इज़ गिविंग अ वेरी इंडो वेस्टर्न वाइब। जस्ट लुक एट द ड्रेसिंग एरिया, ये बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक है, आप जल्दी से ऐसे चीज़ें नहीं देख पाते। एंड यहाँ पर आपको मिलती है ये वार्डरोब विच इज़
वेरी स्पेशियस, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज है। यहाँ पे ड्रॉर्स है, यहाँ पे आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी स्पेशियस। विट्रीफाइड फ्लोरिंग आपको पूरे घर पे मिल रही है एंड साथ ही साथ लेट्स चेक आउट द ऑनसेट वॉशरूम। सो दिस इज द ऑनसेट वॉशरूम एंड अगेन वेरी स्पेशियस यहाँ पे आपको मिल रही है एंटी स्किड टाइल्स, फुल लेंथ वॉल टाइल्स एंड ब्रांडेड फिक्स्चर्स। एंड आप शारी फ्यूचर कुछ स्टेप्स लगा सकते हैं, कैन ऑल्सो पिक एन आइडिया फॉर द मिरर हियर व्हिच इज वेरी डिफरेंट एंड वुडन वर्क में है। सो गाइज, ये था हमारा सैम्पल 3 BHK फ्लैट ओमैक्स द रिजॉर्ट का, जो कि लोकेटेड है न्यू चंडीगढ़ में एयरपोर्ट रोड पर। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी रेसिडेंट्स के लिए क्लब हाउस रहने वाला है जो कि ऑपरेशनल होगा एंड साथ ही साथ एक ऑपरेशनल मार्केट रहने वाली जो आपकी डेली बेसिक नीड्स का सामान आपको अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पर। एंड साथ ही साथ गाइज, अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पर एंड यहाँ पर आपको 80% बैंक लोन भी अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये फ्लैट, इसका इंटीरियर एंड मेरी प्रेजेंटेशन, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ लाइफ साइट विजिट। दिस इज एंकर सोनम साइनिंग ऑफ एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो सून।